हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इसका नाम है सोनू टिप्स गुरु। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पावर डायरेक्टर ऐप से वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर काइंड मास्टर से भी अगर सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको और भी मेरे ऊपर चैनल पड़ा हुआ काइंड मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे करना और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे एडिटिंग करना। तो बात कर लेते हैं पावर डायरेक्टर एडिटिंग के बारे में। अगर मान लीजिए आपको फोटो को कट करना है, बीच से पार्ट को कट कर देना, कट कर सकते हैं पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को। स्लो मोशन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली से मैं बता दूं, उसके बाद आप भी बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं, जूम आउट वाला इफेक्ट डाल सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो को अपडेट आपको मिलते रहे। मैं और बता दूं, आप पहले ऐसे एडिटिंग करते थे डर के एडिटिंग नहीं करना, सीने तान के चौड़े हो जाना है फ्रेंड्स, आपको ऐसे एडिटिंग करना है। इसलिए मैं बोलता हूं, इस वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको सीने तान के एडिटिंग कीजिएगा, इसलिए बोलता हूं। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मैं मोबाइल स्क्रीन में पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। पहले से डाउनलोड कर लीजिएगा पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को। उसमें वाटरमार्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फ्री वाटरमार्क वाला पावर डायरेक्टर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से रेशो सेलेक्ट कर लेना है। मैं रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, 69 का रेशो सेलेक्ट करने के बाद उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स आपके सामने। पूरा आपका गैलरी में जितना ऑल टू वीडियो आ जाएगा, ऑल टू फोटो, ऑल गाना, जो भी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे जाके फोटो ले सकते हैं, यहाँ से ये सब फोटो ले सकते हैं, यहाँ से जाके म्यूजिक ले सकते हैं, कोई यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। मैं चलिए वीडियो में एडिटिंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में गया, मैं वीडियो में जाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके वीडियो को इनपुट कर लीजिएगा। इनपुट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपको सिंपली से यहाँ पर कुछ नहीं। उसके बाद आपको सिंपली से मान लीजिए मुझे वीडियो का फर्स्ट पार्ट कोई कट करना है, यहाँ से कोई कट करना चाहता हूँ, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैंची का निशान दिख रहा है, कैंची का निशान पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए मुझे फर्स्ट का पार्ट हटा देना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा पार्ट पे। इस पार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, डब्बा पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा आगे पार्ट फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा पार्ट डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए मुझे बीच का पार्ट कट करना है, यहाँ से कट करना है, तो फिर यहाँ मैं क्लिक करूँगा इस मीडिया पे, क्लिक करने के बाद कैंची पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं जहाँ से बीच का पार्ट जो कट करना है मुझे यहाँ तक कट करना, यहाँ फिर कैंची पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स। और बीच वाला पार्ट को क्लिक करके सिंपली से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। और मान लीजिए मुझे कोई ऑडियो लगाना है इसमें, मैं तो सिंपली से यहाँ पे मीडिया में जाऊँगा फ्रेंड्स। मीडिया में जाने के बाद आपको सिंपली से यहाँ म्यूजिक दिख रहा है, म्यूजिक पे क्लिक करके आप कोई सा बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं आप सिंपली से। प्लस पे क्लिक करके आपको ले लेना म्यूजिक को, म्यूजिक हो जाए, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फ्रेंड हमारा लोडिंग ले रहा है। म्यूजिक लगाने के बाद आप मान लीजिए मुझे कोई लेयर लगाना है फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे यहाँ तो लेयर में आपको जाना है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मान लीजिए मुझे इफेक्ट लगाने के यहाँ देख सकते कटा हुआ है, कट में अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे फ्रेंड्स। मैं कोई एक इफेक्ट लगा के आपको दिखाता हूँ, इफेक्ट मेरा ये लग चुका है, अब आपको मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से प्ले करने का देखिए कैसा इफेक्ट होगा अभी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा रोलिंग इफेक्ट हुआ अभी। ऐसे कट कट करके यहाँ मान लीजिए मुझे और यहाँ इफेक्ट लगाना, फिर कैंची पर क्लिक करके यहाँ इफेक्ट लगा सकते हैं फ्रेंड्स कोई सा भी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा इफेक्ट लगते जा रहा है, आप इफेक्ट लगा सकते हैं और भी कुछ यहाँ लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपको यहाँ से लेयर में वीडियो लेना, तो फ्रेंड्स यहाँ लेयर में क्लिक कीजिएगा, लेयर में जाने के बाद वीडियो ले लीजिएगा। अब मुझे कोई वीडियो लेना है, मान लीजिए मुझे ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेना है, इस पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके वीडियो को ले लीजिएगा। अब मुझे मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड रिमूव मान रहा है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करना है आपको सिंपली से मैं बताता हूँ। लेयर पर क्लिक कीजिएगा, अपना वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल पर क्लिक करके आपको क्रोमा की दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होता है चाकू दिख रहा होगा, चाकू पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद बैकग्राउंड पे चाकू को ले जाकर रख लीजिएगा, उसके बाद फिर चाकू पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना, ऐसे ऐसे करके आपको अच्छे से देख लेना आपका वीडियो में जैसा जैसा कट हो जाएगा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमारा किस तरीके से वीडियो प्ले होने वाला है, ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ग्रीन स्क्रीन इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको। अब मान लीजिए मुझे और भी कुछ बीच वाले पार्ट में कट करना है लेयर वाले में, तो इस पर क्लिक कीजिएगा,
कैंची पर क्लिक कीजिएगा। अब मान लीजिए मुझे बीच का पार्ट करना, फिर कैंची पर क्लिक करके फिर इसे बीच का पार्ट डिलीट कर दीजिएगा सिंपली से। और उसके बाद आपको मान लीजिए कोई इफेक्ट डालना है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट डालने के लिए यहाँ एफ पे क्लिक कीजिएगा। एफ एक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। मैं कोई एक इफेक्ट लगा देता हूँ, अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स कैसा होगा यहाँ पे। ये देख सकते हो फ्रेंड कैसे इफेक्ट वो जूम आउट हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है फ्रेंड, पूरे वीडियो में लगा सकते हैं। मान लीजिए पूरे आपको सिंपली से थोड़े से वीडियो में लगाना है, फिर इस वीडियो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक कर लीजिएगा, मुझे यहीं तक लगाना है। फिर इसमें क्लिक करके यहाँ से आप जाके इफेक्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ठोकिए सब्सक्राइब। टिंडे ले लो, करना है तभी टिंडे वाले को आना था। ये टिंडे वाले ने परेशान करके रख दिया है। टिंडे ले लो, टिंडे ले लो, कभी बोलता है व्यू ले लो, सब्सक्राइबर ले लो, नहीं बोलेगा ना, बोलता है टिंडे ले लो, टिंडे ले लो।